हेलो दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने 2 या 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, फ्री फायर स्लो मोशन वीडियो एडिटिंग कैसे करें। तो उस वीडियो के अंदर बहुत सारा प्यार मिला है, तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप एक मोबाइल से किस तरीके से प्रॉपरली आप एक स्लो मोशन वीडियो एडिटिंग करोगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप आसानी से सीख जाओगे किस तरीके से आपको स्लो मोशन वीडियो एडिटिंग करना है। और स्लो मोशन वीडियो गाइस आज के टाइम पर बहुत सारा चल रहा है यूट्यूब के अंदर, और छोटी छोटी आप मॉन्टेज वीडियो बनाकर आप यूट्यूब के अंदर अपलोड कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो को स्किप करके आप देखते हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और ये सारी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं इधर काइन मास्टर को ओपन कर चुका हूँ, और यहाँ पर मैं एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आपको स्लो मोशन देना है, उस क्लिप को उठाकर दोस्तों आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पर आपको स्लो मोशन लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक स्लो मोशन लगाना चाहिए, जिसके वजह से इस क्लिप को मैंने उठाकर यहाँ पर ऐड किया है। और इस क्लिप को एक्सपोर्ट करने के बाद जहाँ पर भी मन चाहे वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो काइन मास्टर के अंदर, आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका जो साउंड है इसको मैं यहाँ पर ऑफ़ कर देता हूँ। साउंड को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया। साउंड को ऑफ़ कर देने के बाद सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो को मैं इधर एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो मैं इधर इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, आप भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको जो काम करना है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले जाकर आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारा लोगों को पता है, स्मूथ एक्शन कैम। ये जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, जाकर इंस्टॉल कर लेना। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो एडिटिंग प्रोसेस है बहुत सारा भाई लोगों को पता नहीं है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करके अपने जिस फाइल को एक्सपोर्ट किया था उस फाइल को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो मैं इधर फाइल को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले इसका जो यहाँ पर स्लो फास्ट है, यहाँ पर स्लो है, इसको सबसे पहले आपको इसको 100 रखना है। तो 100 करने के बाद यहाँ पर जो भी चीज़ बताने वाला हूँ ध्यान से वीडियो को देखना। तो यहाँ पर वीडियो प्ले है, यहाँ पर वीडियो पोस्ट है, ठीक है। तो वीडियो के ऊपर प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद सबसे पहले जहाँ पर आपने हेडशॉट मार रहे हो उससे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में कांची का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कांची के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर एक क्लिप यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले करने के बाद वीडियो को पॉज करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देना है। पॉज कर देने के बाद फिर से आपको कांची के ऊपर क्लिक कर देना है। कांची के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर तीनों क्लिप यहाँ पर हो जाएगा। तो वीडियो को फिर से प्ले करना है। प्ले करने के बाद यहाँ पर फास्ट जो आपने यहाँ पर क्लिप लगाया है उसका आपको स्लोमो करना है। सबसे पहले उसका जो स्लोमो आपको रखना है यहाँ पर 20:18 यहाँ पर आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 19 रख देता हूँ। रख देने के बाद फिर से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। वीडियो को मैंने प्ले कर दिया। प्ले करने के बाद सेकेंड जो क्लिप है वहाँ पर आपको स्लो मोशन ऐड नहीं करना है। लास्ट जो क्लिप है वहाँ पर आपको स्लो मोशन लगाना है। तो मैं यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पर स्लो मोशन लगाया, तो यहाँ पर इसको फिर से मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पर 20:19 कर देता हूँ। देने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, आई अंडरस्टैंड कर देना है। उसके बाद सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। बस आपको यही काम करना है इस एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड शेयर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आपको गाइस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्टिंग होने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है, 10 मिनट यहाँ पर टाइम लग जाता है। आपका डिवाइस लो डिवाइस है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। दोस्तों, मेरा जो वीडियो वो वहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया था, और मैं इधर काइन मास्टर ओपन कर चुका हूँ जहाँ पर मैं इस क्लिप को एक्सपोर्ट किया था।
तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपका जो गाइस यहाँ पर आपका जो गान जैसे मैं हेडशॉट मारा उसको एक साउंड है, उस साउंड को आपको यहाँ पर एक्सपो मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेना, आपका ऑडियो को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना। इसके ऊपर क्लिक करके आपको ऑडियो को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जो काम करना है इस क्लिप को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद मीडिया से आपने जो स्मूथ जो कैम था वो एप्लीकेशन से जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना। तो मैं इधर ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। ऐड करने के बाद वीडियो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको कट वगैरह करना है, तो किस तरीके से कट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको यहाँ पर कट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कट कर देता हूँ, तो कट मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट का जो यहाँ पर सीन है उसको भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर कट करना है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको राइट कट करना है तो आपको ट्रिम टू राइट के ऊपर क्लिक करना है, और लेफ्ट कट करना है तो आपको ट्रिम टू लेफ्ट प्लेहेड के ऊपर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से है। और गाइस आपने यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो ऑडियो यहाँ पर एक्स्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पर मैं जहाँ पर हेडशॉट लगा रहा हूँ वहाँ पर उस क्लिप को ले जाकर अच्छे से मैं सेट यहाँ पर कर देता हूँ, तो आप भी यहाँ पर सेट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर मैं यहाँ पर हेडशॉट लगा रहा हूँ वहाँ पर गाइस जो मेरा हेडशॉट का जो साउंड है वहाँ पर अच्छे से मैं इसको ऐड कर चुका हूँ। और गाइस वीडियो को प्ले करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर बहुत ही कमाल का लग रहा है वीडियो, देख सकते हो स्लो मोशन वीडियो। तो यहाँ पर मैं दो चार क्लिप यहाँ पर चाहे मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐड करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो बहुत ही कमाल का आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फिर से और एक क्लिप यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप वीडियो को स्लो मोशन में करने के बाद यहाँ पर से क्लिप ऐड कर सकते हो, और छोटी सी आप मॉन्टेज वीडियो बना सकती हो, और वीडियो को आप यूट्यूब के अंदर अपलोड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक इफेक्ट डाला है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, चाहे आप गेट मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद बहुत सारे इफेक्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एक इफेक्ट यहाँ पर डाला है, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वीडियो हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है जरूर से एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और ये सारी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, एक तो लाइक बनता है। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।